नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रेदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। मतलब जाति के भीतर जाति उस तरह है जैसे केले के पत्ते के अंदर परत दर परत पत्ता होता है। और रेदास जी का ये कहना है कि इंसान इंसान से तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक जाति खत्म ना होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जातिवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले महान संत गुरु रविदास जी के बारे में। 16वीं-17वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और भक्ति आंदोलन के सबसे चमकते सितारों में से एक संत कवि गुरु रविदास जी की जयंती 16 फरवरी को देश भर में मनाई जाती है। संत गुरु रविदास जी को उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के बहुजनों द्वारा बेहद श्रद्धा से देखा जाता है। उनकी लोकप्रियता इसी से जाहिर है कि देश में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले उनके अनुयायियों ने उन्हें अनेक नाम दिए हैं। विरेदास, रोहिदास, रुईदास, रामदास, रायदास और रबदास जैसे नामों से जाने जाते हैं। गुरु रविदास जी का नाम लेते ही उनके अनुयायियों का मन अभिमान और आत्मविश्वास से झूम उठता है और वो अपनी जातिगत पहचान पर गर्व महसूस करते हैं। जेम्स जी लोक्टेफेल्ड का कहना है कि भले ही एक समय रविदास का नीची जाति का होना समस्या रही होगी, परंतु उनके समकालीन प्रशंसक उनकी जातिगत पहचान से इनकार नहीं करते, बल्कि वे उसकी पुष्टि करते हैं। गुरु रविदास के तमाम अनुयायी खुद को रविदास या रविदासी धर्मी कहलाना पसंद करते हैं। जातिगत भेदभाव के खिलाफ गुरु रविदास जी के संघर्ष और वाराणसी के पंडितों से उनके टकराव ने उत्तर भारत में उन्हें सबसे लोकप्रिय और महान संत बनाया। बनारस को वर्णाश्रम व्यवस्था की धुरी और हिंदू धार्मिकता और ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र माना जाता था। गुरु रविदास की भक्ति को वाराणसी के ब्राह्मणों के सदियों से चले आ रहे वर्चस्व के खिलाफ अछूतों के विद्रोह का एक स्वरूप माना जाता है। रविदास जी की भक्ति उनके क्रांतिकारी कविताओं में देखी जा सकती है जो सवर्णों द्वारा बहुजनों पर अत्याचार का संजीव वर्णन करती है। रविदास जी ने एक नई राह चुनी। उन्होंने ना तो कोई दूसरा धर्म अपनाया और ना ही ब्राह्मणों की विश्व दृष्टि को स्वीकार कर समाज में सम्मान और स्वीकारिता पाने की चेष्टा की। उन्होंने अपनी पहचान से समझौता किए बगैर सामाजिक बहिष्करण के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी कई किताबों के अंत में गुरु रविदास जी बिना किसी संकोच के अपनी जाति का उल्लेख भी करते हैं। गुरु रविदास का वैकल्पिक बहुजन एजेंडा ब्राह्मणवाद की बजाय श्रमण परंपरा के अधिक नज़दीक था। वो ये साबित करना चाहते थे कि ब्राह्मण खोखले लोग हैं जो अपने दम और पाखंड में फूले रहते हैं। इसलिए गुरु रविदास जूते गाँठने के अपने पारंपरिक पेशे से जुड़े रहे। वो ये मानते थे कि सामाजिक बहिष्करण के शिकार वर्गों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपने वंशानुगत अपवित्र पेशों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु रविदास की इसी सोच ने कई बहुजनों को अपनी कथित निम्न जातिगत पहचान का खुलकर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। पंजाब के दुआब क्षेत्र में कई मोटरसाइकिलों और कारों पर एससी बॉयज लिखे स्टिकर देखे जा सकते हैं। गुरु रविदास ने ब्राह्मणों के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए उन्हीं के प्रतीक चुने, जैसे धोती और जनेऊ पहनना और तिलक लगाना। उन्होंने बेहद चलाकी से ब्राह्मणों के प्रतीकों का उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया। उनका प्रतीकों का जो शूद्रों के लिए निषेध था, ये बहुजनों की आवाज बुलंद करने का एक नया तरीका था। उनकी वेशभूषा ऊंची जातियों के सदस्यों जैसी ही होती थी, परंतु वे अपनी जातिगत पहचान छुपाते नहीं थे। ब्राह्मणों के प्रतीकों का प्रयोग करके वो शायद ये दर्शाना चाहते थे कि निम्न जातियां अपने पारंपरिक वंशानुगत पेशों को त्यागे बिना और कोई दूसरा धर्म अपनाए बिना भी अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान का प्रयोग ऊंची जातियों की सामाजिक श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण
और व्यवहार से ये प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला है और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और देखा भी जा सकता है। आज उनकी जयंती पर लोग जगह जगह रविदास जयंती भी मना रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।